लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वहाँ पे उसे पता चल जाता है एवेंजर्स मुसीबत में। वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है शिनचैन के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, इसीलिए वो और स्पाइडरमैन अपने व्हीकल के अंदर बैठ के मैचन के ऊपर चले जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद वो देखते हैं वहाँ पे तो कोई भी नहीं है और उसे एक लोकेशन मिल जाती है। और जैसे ही फ्रैंकलिन और स्पाइडरमैन वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर हॉवर्ड हल्क को मेल करके मैचा हल्क में तब्दील कर देता है और उसकी सेना फ्रैंकलिन द टीम फॉर लाइटनिंग के ऊपर हमला कर देती है। कैसे वैसे करके व्हाइट कॉस्मिक लाइटनर को पेंट के वो एक एक करके सारे रोबोट्स का सामना कर रहा होता है, तभी वहाँ पे रोबोट का फ्यूल खत्म हो जाता है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ शिनचैन आउट ऑफ कंट्रोल होकर पूरे लॉस एंटोस को खत्म कर रहा है। अब आगे आ गया आ गया आ गया, अब तुम्हारा काल तुम्हारे सामने आ चुका है। यहाँ पे ब्लैक स्नेक आ गया है, अंडर वाटर माफिया ने मुझे यहाँ पे भेजा है। हम अंदरूनी दुनिया से आए हैं और हमें भेजने वाला सरदार है अंडर वाटर माफिया, और मैं अपने सरदार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब मुझे इस दुनिया पे राज करना है, यही मेरा आका का हुक्म है। सेना आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोगों को मैंने पुकारा है, सारे के सारे समंदर से बाहर आ जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ब्लैक स्नेक तुम्हें पुकार रहा है, मेरी सेना हमें इस दुनिया पे अपना कब्जा करना है। ये रही मेरी सेना, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये हुई ना बात, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमें पूरी दुनिया पे राज करना है सेना। हमला 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 हमला, सारे कब्जा करो। चलो चलो चलो, अब हमें इनका नामो निशान मिटा देना है, जो भी रास्ते में आएगा उनका काम तमाम करो, यही आखिरी आदेश है। ये ले खत्म करो सारे इंसानों को, कोई नहीं बचना चाहिए। तबाही तबाही तबाही, कोई नहीं बचेगा, खत्म करो सारे वाटर मॉन्स्टर, ये दुनिया अब हमारी है वाटर के मॉन्स्टर, कब्जा करो सब लोग, तबाही मचाओ, अब यह हमारा शहर है, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ये मेरे साथ हो क्या रहा है गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, माइकल को ये हो क्या रहा है, मेरे अंदर कुछ तो गड़बड़ है। जब से मैं गॉड टाइटन और आइंस्टाइन से बच के अपने काम पे लिए आया हूँ, तब से मैं कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहा हूँ। आज तो बहुत हो गया, मुझे घर जाके आराम करना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे फ्रैंकलिन को बताना पड़ेगा, माइकल को कुछ हो गया है, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन क्या क्या हुआ है मुझे याद करना पड़ेगा। जब मैंने गॉड टाइटन और आइस टाइटन से बच के भागा था, तब से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा। मेरा अपने आप से ही कंट्रोल निकल रहा है, ये कहाँ पे जा रहा हूँ, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, हो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ गड़बड़ लगती है। नहीं कोई बचाओ, फ्रैंकलिन सुन रहे हो, मेरे साथ कुछ तो हो रहा है। नहीं ये क्या परखिया पे, फिर अपने आप से कंट्रोल जा रहा है। ये दोनों भाई हम दोनों के अंदर छुपे थे, माइकल और ट्रेवर के अंदर। नहीं सही कहा इन लोगों ने, हम लोग कहाँ पे गए, नहीं हम लोग यहीं पे थे। मेरे भाई आजा बाहर, बहुत हो गया इन दोनों इंसानों के अंदर रहना, अब हमें बाहर आना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। माइकल और ट्रेवर अब हमारे कब्जे में फ्रैंकलिन। अरे ये क्या, मुझे क्या हो रहा है, ये गुड़ फिर से चालू हो गई, अब तो ये सहन नहीं हो रहा, लगता है मैं मरने वाला हूँ। ये हो क्या रहा है, नहीं ये क्या बन गया। अरे यार ये आइंस्टाइन तो हमारे अंदर छुपा था, तब से मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। हाँ मैं आइंस्टाइन हूँ, हमने तुम्हारा शरीर यूज किया था जब फ्रैंकलिन द टीम फॉर लैंटन में मारने आया था, तब हम तुम दोनों के अंदर छुप गए थे, कितने बेवकूफ हो, अब हमारा ही राज होगा इस दुनिया पे। भाई मैं आ रहा हूँ, मैं इसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहा। गाइस मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। एक तरफ यार शिनचैन बड़े तादाद में मॉन्स्टर बन चुका है, अपने मेरे दुश्मन बन रहे, लेकिन अब मैं क्या करूँ अपने से लड़ू कैसे, और तो मेरे पास सारी पावर्स भी है, बहुत कुछ है, मैं उन लोगों को चुटके में रोक सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यही है वो सारे के सारे अपने, मैं उन लोगों से लड़ नहीं सकता, उनसे मैं लड़ते हुए अपनी पावर्स को खो दूंगा, क्योंकि मैं उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास व्हाइट कॉस्मिक स्टोन भी है और व्हाइट कॉस्मिक लैंटर्न का सूट भी है, और तो और मैं एक टीम फॉर लैंटर्न का एक सर्वशक्तिमान योद्धा भी हूं। अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या मैं ग्रीन लैंटर्न सिटी पे जा सकता हूं? मुझे लगता है गाइस मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा, ग्रीन लैंटर्न सिटी मैं आ रहा हूं। इस पहले का सोल्यूशन मुझे कुछ भी करके चाहिए, और तो और मेरे पीछे खतरनाक सा मैचा हल पड़ा है जिसे कंट्रोल कर रहा है डॉक्टर हॉवर्ड,
जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने का इरादा लेके सारे एवेंजर्स को मैचर रोबोट्स में कन्वर्ट करना चाहता है। उसका सारा का सारा प्लान मुझे पता चल चुका है। उसने हल्क को तो मैचर हल्क में तब्दील कर दिया। अगर उसने सारे एवेंजर्स को मैचर रोबोट में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा? बहुत ही बुरा होगा, पूरी तरफ तबाही तबाही हो जाएगी। कोई भी हीरोज ना विलन रहेंगे ना हीरो रहेंगे, वो बस एक पुतला बन के रह जाएंगे जिसे कंट्रोल करेगा दुनिया का सबसे खतरनाक संकी साइंटिस्ट डॉक्टर अवार्ड। हमें कुछ भी करके इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ग्रीन लैंटर्न सिटी। अब वहीं पे हमारा सॉल्यूशन मिल सकता है। सारे एवेंजर्स बेहोश है। स्पाइडी, शिनचैन ने कुछ सफाई मचाई। अरे फ्रैंकलिन, तुम कहाँ पे चले हो? मेरे को जल्दी जल्दी हेल्प चाहिए। मैंने अपने स्पाइडर लेफ्ट से कैद कर दिया है, लेकिन मैं ज्यादा दिन उसे कैद नहीं कर पाऊंगा। हाँ फ्रैंकलिन, हमें कुछ भी करके शिनचैन को रोकना पड़ेगा। मुझे समझ भी नहीं आ रहा उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। क्या कहा वो, शिनचैन है या मेजर शिनचैन है? अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे एक बार स्कैन करने दो। जार्विस। जी सर, स्कैनिंग चालू है। स्पाइडी, तुम्हें कुछ गड़बड़ लगती है? अरे हाँ, मुझे भी गड़बड़ लगती है, क्योंकि ये इंसान नहीं लगला। इसकी जो कमरी है बहुत खतरनाक है, लगता है कोई मेटल है। ओह नो, मुझे लगा था गाइस वो शिनचैन अपना है, वो तो एक रोबोट निकला। डॉक्टर अवार्ड ने भी उसे मेजर शिनचैन में तब्दील कर दिया। वो एक एक करके सारे इंसानों को रोबोट में तब्दील कर रहा है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। मैं पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। मुझे अब कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। गाइस, आप लोग मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो। आप लोगों को बस इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करना है और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। आपके पास बहुत कम समय, जल्दी करो। मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ क्या करूँ। वेट, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग एक चीज कर सकते हैं। मेरे पास जो ये व्हीकल है ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और मेरे पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं है। अब मैं इसको जल्दी से जल्दी इवॉल्व करता हूँ और एक बूस्ट मार के सीधा ग्रीन लैंटर्न सिटी पहुंच जाऊंगा। मुझे कोई रॉकेट की जरूरत भी नहीं है। 3, 2, 1, इवॉल्वेशन स्टार्टेड। इवॉल्वेशन सक्सेसफुल। ये भी ना बात, अब मैं जा पाऊंगा ग्रीन लैंटर्न सिटी। शिट, ये क्यों क्या? इवॉल्वेशन में ही सारी एनर्जी निकल गई, फ्यूल एम्प्टी हो गया। ओह नो, अब मैं क्या करूं? लगता है कि अब मैं नहीं बचने वाला। टीम फॉर लैंटर्न पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। ओह नो, मेरी एक तो पावर्स भी कम है और मैं बहुत तेजी से नीचे जा रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे पास इतना फ्यूल था मैं ग्रीन लैंटर्न सिटी पहुंच सकता था, लेकिन यह क्या हो गया अचानक से? कुछ गड़बड़ लगती है। किसने छेड़छाड़ की, लेकिन किसने? डॉक्टर अवार्ड बोलते बेटे, कैसा लगा प्लान? पीछे एक छेद है जहाँ से लीक कर रहा तुम्हारा फ्यूल। डॉक्टर अवार्ड बोलते। ये क्या? नहीं डॉक्टर अवार्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले अपने आप को बचाओ। हाँ इसे सही कहा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है गाइस अब मैं मरने वाला हूं। आप लोग जल्दी जल्दी लाइक वाले बटन को दबाओ, नहीं तो मैं पूरी तरीके से खत्म होने वाला हूं। जल्दी सब्सक्राइब इट। ये क्या हो गया? बच गया, लेकिन ये पूरा सूट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। किस वजह से करके मैंने इसे कंट्रोल कर दिया। गाइस आप लोगों का शुक्रिया, हम लोग एक साथ हैं। हम डॉक्टर अवार्ड को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। डॉक्टर अवार्ड, तुम कहाँ पे हो? मेरे सामने आ जाओ, आज तो मैं तेरा काम तमाम करके रहूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? पीछे देखो पीछे, मैं तुम्हारा काम तमाम करने आ गया। ये क्या, तुम यहाँ पे? उतनो, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस एक दिक्कत हो गई है। व्हाइट कॉस्मिक स्टोन अब पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर फ्यूल ही नहीं है। मैं क्या करूँ? अब जो भी करना है मैं करूँगा। डॉक्टर अवार्ड बोलते, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं चाहल बोलते। अब तुम्हारा काम तमाम होगा। टीपू लैंटर्न ये लो। तारे पुरते पुरते अब तेरे निकल जाएंगे। डॉक्टर अवार्ड ने कर दिखाया, टीपू लैंटर्न का अंत हो गया। ये क्या? नहीं ये नहीं हो सकता। तुम सही देख रहे हो, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और अब मैं तुम्हारा काम तमाम करूँगा। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? टीम फॉर लैंटर्न इतनी जल्दी हार नहीं मानता। अब ये सारी एनर्जी सारी पावर अब तुम्हारे ऊपर चली जाएगी डॉक्टर अवार्ड। ये नहीं हो सकता। ये क्या? ये ले, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा डॉक्टर अवार्ड। अब इस मैचर रोबोटिक की ऐसी की तैसी करके रहूंगा, भले वो हल्क हो या ना हो। मैचा बॉस अब करके रहूंगा तुम लोगों का। फाइनली मैंने इसे खत्म कर दिया, चलो अब चलते। इतनी भी क्या चलती है? ये क्या, ये नहीं हो सकता, ये कैसे जीता? तुम्हें क्या लगा मैचा बॉस को खत्म करना इतना आसान है?
ये बस शुरुआत है। बेटे डॉक्टर हबार्ड बोलते। शायद मुझे अब समझ में आ गया, ये मैचा हल्क अकेला नहीं है, इसने अपना पूरा झूठ बना लिया है और ये पूरे लॉस एंजेलिस के मैचा बोर्ड्स में तब्दील करने वाला है। डॉक्टर वार्ड, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू कितने भी मैचा बोर्ड्स मेरे पीछे छोड़ दे, ये मैचा हल्क अब यहाँ से मुझे डर नहीं जाएगा। कितने को मारोगे? 1, 2, 100, 2000 कितने को मार पाओगे टीम फॉर लैंटर्न? ओह नो, लगता है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। गाइस, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, इतने सारे हल्क, शिट, ये तो मेरा पीछा कर रहे, मुझे इन लोगों का काम समाप्त करना पड़ेगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं, अब मैं क्या करूँ? लगता है मेरा अंत नजदीक है, मुझे ऐसे भागना पड़ेगा। कापी भाऊ, एक काम करता हूँ, मैं चला थोर के पास। एस्गार्ड, एस्गार्ड, मैं आ रहा हूँ। हम लोग आजाद है, अब पूरी दुनिया पे टाइटंस का राज होगा, बर्बादी की शुरुआत यहाँ से होगी। ये लोग, कोई नहीं बच पाएगा, सारे लोग मारे जाओगे, क्योंकि हम लोग अब बहुत गुस्से में। टाइटंस, बाहर आ जाओ, तुम्हारे सरदार ने तुम्हें बुलाया है। चलो मेरे बच्चे, तबाही मचाना चालू करो, अब कोई नहीं बचना चाहिए। सारे टाइटंस, हमला करो। जी आका, हमला।